नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनका नाम जॉर्ज सारोस है। एक बड़े ट्रेडर है और इनके बारे में, इनके लाइफ के जो अच्छे ट्रेड्स थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज एक मोटिवेशनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इनका नाम जॉर्ज सारोस है। इनका जन्म 12 अगस्त 1930 में हुआ था। अभी के हिसाब से इनकी उम्र 90 साल है और इनकी बर्थ प्लेस है वो बुडापेस्ट हंगेरी में हुआ है। और इनका नेटवर्थ आप देख पा रहे हो $8.3 बिलियन है मई 2020 तक। और इनको क्वांटम फंड सारोस फंड मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये वो हेज फंड है जो मैनेज करते हैं। तो चलिए उनके कुछ फेमस ट्रेड है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे एक ट्रेडर, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि वन डे प्रॉफिट 2500 करोड़, मतलब 2500 करोड़ रुपीज। ओके, तो बात है कुछ 90s की। तो जॉर्ज सारोस ने अपना जो स्कूल था, मतलब जो एजुकेशन था, वो इकोनॉमी स्कूल ऑफ लंदन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ छोटे मोटे जॉब भी उन्होंने किए दोस्तों, लेकिन जॉब में उनकी कुछ रुचि नहीं थी। तो उन्होंने ग्रेजुएशन के समय से ही अपनी खुद की थ्योरी डिराइव की थी, उसको उन्होंने नाम दिया थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। तो मैं बताना चाहूंगा, एक शॉर्ट में बताता हूँ थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है, बाद में जाके आप गूगल भी कर सकते हो इसके लिए। तो थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी का मतलब यह है, मान लेते हैं कि एक चार दोस्त है, चारों में से एक को खेती का शौक है बचपन से, एक को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, एक को गवर्नमेंट सर्वेंट में इंटरेस्ट है और एक को शुरू से इंजीनियर बनना है। तो ऑब्वियसली 90% लोग उनको देख के पहचान जाएंगे कि एक बंदा खेती करने वाला है, एक इंजीनियर बनने वाला है। मतलब जो आज अभी करंट सिचुएशन में आप जिस चीज में रुचि दिखाते हो उसी में आपने काम किया, तो चांसेस इज वेरी हाई, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि उसी ही में को आपको सक्सेस मिलेगा और वैसे ही आपकी छवि बन जाएगी दोस्तों। तो ये होता है थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी का मतलब। ओके, तो हम बात कर रहे थे मिस्टर जॉर्ज सारोस की, कैसे उन्होंने एक दिन में $1 बिलियन कमा लिए। ओके, तो बात कुछ 1980 से स्टार्ट होती है, जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। तो मैंने बताया कि उन्होंने कुछ छोटे मोटे जॉब करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक ट्रेडिंग फंड मतलब खोल दिया जो क्वांटम फंड्स के नाम से जाना गया और लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे। ठीक है, तो लोगों का पैसा और खुद का पूरी सेविंग लगा के उन्होंने क्वांटम फंड शुरू कर दिया। और 1990 से, मतलब 1990 से उन्होंने इंग्लैंड की जो फाइनेंशियल सिचुएशंस थी उसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया दोस्तों। तो उनके मन में एक क्वेश्चन भी था और एक उसके लिए अपनी खुद की डिराइव की गई थ्योरी का सबूत भी था। तो उनको लग रहा था कि इंडियन, मतलब इंग्लैंड की जो करेंसी है पाउंड, आपको तो पता है, तो करेंसी का 1992 में इंडियन करेंसी का जो रेट चल रहा था उनके हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने या इंग्लैंड के बैंकों ने जो लोगों में लोन बांट दिया था और उनके जो पूरा मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था उसका इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट और पूरी चीजों को अगर पूरा समराइज किया जाए तो जितना उनका वैल्यू होना चाहिए पाउंड का उतना नहीं था। मतलब अगर बात की जाए कुछ हमारे कंट्री के हिसाब से, तो अगर कोई इंसान 100 रुपए कमा रहा है हर मंथ का और उसका खर्चा अगर 150 रुपए बन रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो घाटे में जा रहा है, फिर भी वो प्रॉफिट कैसे दिखा रहे हैं, ऐसे ही कुछ समझ लो आप। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके इन्फ्लेशन में नहीं था और फाइनेंशियल कंडीशन भी इंग्लैंड की ठीक नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, 1991 से अपना सेलिंग पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। पाउंड को हेविली उन्होंने शॉर्ट करना शुरू किया। अब कुछ बहुत सारे लोग होंगे जिनको शॉर्ट सेलिंग क्या होता है पता नहीं है, उनको तो पता है कि शेयर कम प्राइस में खरीदो और अच्छे प्राइस में बेच दो। शॉर्ट सेलिंग का मतलब मैं कुछ ही सेकंड में बता देता हूँ। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हायर प्राइस पे खरीद लो और कम प्राइस में बेच लो, बीच का जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा।
तो 90s में दोस्तों डिजिटल कुछ भी नहीं था। शेयर्स की जो भी खरीदी बिक्री थी, जो कि सेल एंड परचेस था, वो पूरा फिजिकली होता था। मतलब अगर मान ले वहां पे उस समय आर्बिटरली ट्रेडिंग बहुत होता था। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से या इंडियन कंट्री के हिसाब से समझाना चाहो तो, जैसे कि आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है। तो 90s में क्या होता था दोस्तों कि कोई स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपए चल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और आपका कोई फ्रेंड कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, तो आप उसको कॉल करके प्राइस पूछोगे। अगर वो बोल दिया कि वहां पे 105 चल रहा है, मतलब यहाँ पे 100 रुपए चल रहा है, वहां पे 105 चल रहा है, तो आप क्या करोगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कुछ शेयर्स खरीदोगे और उसको कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में बेच दोगे। तो बीच का जो डिफरेंस आता है 5 रुपए का, वो बन जाएगा आपका प्रॉफिट। तो मिस्टर जॉर्ज सोरोस 90s के पहले उस वही कारोबार करते थे, और उसी से उनको लाइमलाइट मिला था, और उसी से उन्होंने क्वांटम फंड शुरू किया था। तो फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे। उन्होंने 1991 से अपना शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना लिया था। पॉन्ड्स को वो हेविली शॉर्ट कर रहे थे, और उनके शॉर्ट सेलिंग के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जैसे कि हमारे इंडिया का आरबीआई है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, देश का सबसे बड़ा बैंक है गवर्नमेंट का, वैसे इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड सबसे बड़ा गवर्नमेंटल बैंक है। तो वो भी प्रेशर झेल नहीं पा रही थी, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज सोरोस हर रोज हर इवेंट को पाउंड को सेल कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, अपनी शॉर्ट की पोजीशन बढ़ाए जा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक मीटिंग लगाना पड़ा, मीटिंग अरेंज करना पड़ा, और मीटिंग के लिए बुलाना पड़ा मिस्टर जॉर्ज सोरोस को, और उनसे पूछा गया कि सर आप हमारे करेंसी को क्यों शॉर्ट कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि सारी चीजें बता दी, और बैंक ऑफ इंग्लैंड पैसा डाल डाल के घुटनों पे आ चुका था, अब पूरा करप्ट होने के था कगार पे खड़ा था बैंक ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज सोरोस ने लगभग $10 बिलियन विथ लिवरेज सेल किया था। इतनी अमाउंट भारी मात्रा में सेल किया, मान लो कि समझ लो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपीज का पाउंड उन्होंने सेल किया था। मैं 90s की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप समझ सकते हो। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का हालत खराब हो चुका था। तो मीटिंग में तय हुआ कि मिस्टर जॉर्ज सोरोस अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे, लेकिन शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्होंने फॉलो किए, उसके बाद जाके उन्होंने अपने शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन कट कर दिए, और जो प्रॉफिट बुक हुआ वो था लगभग $1 बिलियन। वो दिन था 16 सितंबर 1992, उसको बोला जाता है ब्लैक वेडनेसडे। मतलब अगर एक ट्रेडर चाहे तो किसी को भी अपने नॉलेज के सामने घुटने टेकने को मजबूर कर देगा दोस्तों। ये एक उन्होंने इतिहास बना दिया पूरी ट्रेडिंग की दुनिया में कि दिन का 2500 करोड़ भी बनाया जा सकता है। जैसे कि पता है मैं खुद इक्विटी में ट्रेडिंग करता हूं, इक्विटी एंड फ्यूचर ऑप्शंस, वैसे ही कमोडिटी होता है, करेंसी होता है, बहुत सारे मतलब ऑप्शंस है ट्रेडिंग के। तो ये सारी चीजें होती है पैसा कमाने की। तो ये थी मिस्टर जॉर्ज सोरोस की मोटिवेशनल स्टोरी। तो उनका सिंपल फंडा था लाइफ में, कुछ भी चीज को आप अगर एनालिसिस कर रहे हो तो एनालिसिस को सिंपल रखिए, अपने हिसाब से पूरे तरीके से चारों तरफ से, जिसको कि शॉर्ट एनालिसिस बोला जाता है, स्वैट एनालिसिस, चारों दिशा से उसको आप एक बार जरूर चेक कीजिए कि आपका एनालिसिस सही है या गलत है। तो उन्होंने हमेशा ना कि मैक्रो बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर अपना ध्यान दिया, इमोशन सेंटिमेंटल और ह्यूमन साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते अपनी सारी चीजों को अच्छी तरह से तरखा, अच्छी तरह से समझा, और उसके बाद जाके उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड की मतलब इंग्लैंड की जो करेंसी थी पाउंड को शॉर्ट किया और अपना पैसा अपना प्रॉफिट बुक किया। ओके, वैसे ही हुआ था 1996 और 1997 में। उन्होंने एशियन फाइनेंशियल बोला जाता है, ऐसा कि रूमर्स भी हैं, कुछ प्रूफ भी है, आप सर्च कर सकते हो, कि जो थाईलैंड की करेंसी है बाट, उसको भी उन्होंने हेविली शॉर्ट किया था 1996 और 1997 में, और जाके बड़ा प्रॉफिट बुक किया था। एज लाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड को जैसे घुटने टेकने पे मजबूर किया था, वैसे उन्होंने थाईलैंड को भी 1996 और 1997 में घुटने टेकने पे मजबूर किया था। और 2013 और 14 में मतलब ऐसे रूमर्स है कि उन्होंने जापानीज करेंसी है जो येन है
उसको भी हेविली शॉर्ट किया था और अपने प्रॉफिट बुक किया था। और कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के भी केसेस उनके ऊपर चले, उनके लिए उनको कुछ मिलियन डॉलर में अपना फाइन भी देना पड़ा। लेकिन मान लो दोस्तों, अगर कोई 2500 करोड़ कमा रहा है और आपको 1-2 करोड़ रुपीज का फाइन भरना है तो कोई भी भर देगा दोस्तों, उसके लिए बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा रूमर हो चुका था, सब देश डर रहे थे मिस्टर जॉर्ज सोरोस की, क्योंकि उनकी नजर अगर हमारी करेंसी भी पड़ जाए तो हमारी करेंसी कहीं नीचे ना चली जाए। तो ये होता है पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ एनालिसिस। और अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से स्टडी कर लिए, अच्छे से सब चीजें सीख लिए, तो ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है दोस्तों। ये उसका एक बेस्ट एग्जांपल था। जिन लोगों को यकीन नहीं आता कि मार्केट से पैसा नहीं बनता है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आने वाले समय पर मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। उसके लिए आपको खाली जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको प्रेस कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और हमारा बताना चाहूंगा, एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे हम फ्री में कॉल प्रोवाइड करते हैं, जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम डेली बेसिस पे वहां पे कॉल प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा इंस्टा पे भी पेज है, अगर कोई आपको क्यूरी है और तो हमें मेल भी कर सकते हो और इंस्टा में भी डीएम भी कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।